की पहली वित्त मंत्री निर्मल सीतारमन ने अपना जो बजट पेश किया है उस दे संबंध में कृषि मंत्री तोमर साहब नरेंद्र तोमर साहब साढ़े नाल है उन्होंने तो जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हों का फस्ट रिएक्शन की है। तोमर साहब आपका फस्ट रिएक्शन की है जो कल बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2019 गांव गरीब और किसान के लिए समर्पित है। इस बजट में गांव गरीब और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आवे इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। किसान की आमदनी दोगुनी हो ये लक्ष्य रखकर काम किया गया है। युवा महिला के लिए विशेष रूप से चिंता की गई है। स्व सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं काम करती हैं एक समूह में एक महिला को 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुद्रा लोन के माध्यम से दिया जा सकेगा। जो ब्याज की हम सब्सिडी देते हैं वो पहले 150 ब्लॉक में देते थे अब सारे देश में वो सब्सिडी देंगे और महिलाएं आगे बढ़ें यह इस पर काफ़ी बल दिया गया है। देश में जो सारे वर्ग हैं उन सारे वर्ग का जीवन सरल हो और सुखी हो और इस लिहाज से भी कोशिश बजट में सफलतापूर्वक की गई है। आपको ध्यान होगा चुनाव के बाद मोदी जी ने कहा था कि इस देश में दो ही बिरादरियां हैं, एक बिरादरी है जिसको गरीब कहते हैं और एक बिरादरी वो है जो गरीबों को गरीबी से निकालने में मदद करती है। तो दोनों पक्षों का ख्याल रख के इस बजट को बनाया गया है। यह बजट आने वाले कल में नए भारत की मजबूत बुनियाद को स्थापित करेगा। तोमर साहब, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, जबकि जो कृषि प्रधान देश है। बजट की आलोचना करना यह विपक्ष का सगल बन गया है। जो अच्छी चीज़ हो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो चीज़ उपयोगी अगर उन्हें नहीं लगती है तो आलोचना होनी चाहिए। बजट को इस प्रकार से खारिज कर देना यह विपक्ष की अदूरदर्शिता का परिणाम है। तोमर साहब, किसान बिचौलिए की भूमिका से परेशान है, दूसरा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहा है उससे परेशान है, नहीं मिल रहा। तीसरा क्या है, जो पानी की निर्भरता है वो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन परेशानियों को कैसे निपटेंगे? देखिए, दरअसल क्या है, पानी तो प्राकृतिक साधन है और इसलिए पानी के मामले में चिंता प्रधानमंत्री जी की भी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी 2.5 लाख सरपंचों को पत्र लिखा जल बचाओ अभियान चलाने के लिए। सरकार भी पूरी ताकत के साथ जल संग्रहण की दृष्टि से अभियान चला रही है और वो तेज़ी के साथ चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी का उस पर बल है। जल को बचाने के लिए सर्वांगीण प्रयास करना चाहिए और उसमें हर नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए संजय टंडन जी ने पर्याप्त प्रावधान किए हैं। ऐसे हर व्यक्ति अपना मकान बना रहा है उसको प्रावधान करना चाहिए। खेत का पानी खेत में रोकना चाहिए। वास बेसन में जो फिजूल पानी खर्च हो रहा है उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो जल सभी का विषय है और इसको स्वच्छता की तरह आंदोलन बना के आगे सबको मिल के बढ़ाना चाहिए तो निश्चित रूप से हम इसको बचाने में सफल होंगे। और विशेष रूप से जो किसान हैं उनको भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन फसलों में पानी अधिक लग रहा है, जैसे धान है, धान में 1 किलो धान पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है, तो धान की क्रॉप परिवर्तन करके ऐसी क्रॉप करें जिसमें पानी कम लगे। पानी बचेगा तो अंततोगत्ता उन्हीं के काम आएगा। ठीक है, थैंक यू। ये थे नरेंद्र तोमर जी जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उनका कहना है कि किसान को पानी बचाने में भी सहयोग करना पड़ेगा, दूसरे शहरवासियों के साथ साथ किसान को भी पानी बचाना चाहिए। दूसरा, जो परंपरागत कृषि जो गेहूं या अदर कोई परंपरागत जो खेती कर रहा है उसको बदलने की ज़रूरत है, तभी हम कृषि में आत्मनिर्भर हो पाएंगे और किसान जो है इनकम, मतलब कि किसान की जो इनकम है वो बढ़ पाएगी। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन
संजय यादव के साथ दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से।